जैसे मेरी पसलियां, खाली बोरे सूजों से रफू किए जा रहे हैं, जो मेरी आंखों का सूनापन है। ठंड भी एक मुस्कुराहट लिए हुए है, जो कि मेरी दोस्त है। कबूतरों ने एक गजल गुनगुनाई, मैं समझ न सका। आसमान में गंगा की रेत आईने की तरह हिल रही है, मैं उसी में कीचड़ की तरह सो रहा हूँ और चमक रहा हूँ कहीं न जाने कहाँ। मेरी बांसुरी है एक नाव की पतवार, जिसके स्वर गीले हो गए हैं। छप 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 मेरा हृदय कर रहा है, छप छप छप। वो पैदा हुआ है जो मेरी मृत्यु को संवारने वाला है। वो दुकान मैंने खोली है जहां पॉइजन का लेबल लिए हुए दवाइयां हंसती हैं। उनके इंजेक्शन की चिकोटियों में बड़ा प्रेम है। वो मुझ पर हंस रही है जो मेरे होंठों पर एक तलवे के बल खड़ी है, मगर उसके बाल मेरी पीठ के नीचे दबे हुए हैं और मेरी पीठ को समय के बारीक तारों की तरह खुरच रहे हैं। उसके एक चुंबन की स्पष्ट परछाई मुहर बनकर उसके तलवों के ठप्पे से मेरे मुंह को कुचल चुकी है। उसका सीना मुझको पीस कर बराबर कर चुका है। मुझको प्यास के पहाड़ों पर लिटा दो, जहां मैं एक झरने की तरह तड़प रहा हूं। मुझको सूरज की किरणों में जलने दो, ताकि उसकी आंच और लपट में तुम फव्वारे की तरह नाचो। मुझको जंगली फूलों की तरह ओस से टपकने दो, ताकि उसकी दबी हुई खुशबू से अपने पलकों को उनींदी जलन को तुम भिगो सको, मुमकिन है तो। हाँ, तुम मुझसे बोलो जैसे दरवाजे की शर्माती चूलें सवाल करती हैं बार बार मेरे दिल के अनगिनती कमरों से। हाँ, तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं जिनमें वो फंसने नहीं आती, जैसे हवाएं मेरे सीने से करती हैं जिनको वो गहराई तक दबा नहीं पाती। तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूं। आईनों रोशनाई में घुल जाओ और आसमान में मुझे लिखो और मुझे पढ़ो। आईनों मुस्कराओ और मुझे मार डालो। आईनो मैं तुम्हारी जिंदगी हूं। एक फूल उषा की खिलखिलाहट पहनकर रात का गढ़ता हुआ काला कंबल उतारता हुआ मुझसे लिपट गया।
उसमें कांटे नहीं थे, सिर्फ एक बहुत काली बहुत लंबी जुल्फ थी जो जमीन तक साया किए हुए थी, जहां मेरे पांव खो गए थे। वो गुल मोतियों को चबाता हुआ, सितारों को अपनी कनखियों में घुलाता हुआ मुझ पर एक जिंदा इत्रपाश बनकर बरस पड़ा। और तब मैंने देखा कि मैं सिर्फ एक सांस हूं जो उसकी बूंदों में बस गई है, जो तुम्हारे सीनों में फांस की तरह ख्वाब में अटकती होगी, बुरी तरह खटकती होगी। मैं उसके पांव पर कोई सिजदा न बन सका, क्योंकि मेरे झुकते न झुकते उसके पांव की दिशा मेरी आंखों को लेकर खो गई थी। सागर तक यह समंदर की पछाड़ तोड़ती है हार तट का अति कठोर पहाड़। पी गया हूं दृश्य वर्षा का, हर्ष बादल का हृदय में भरकर हुआ हूं हवा सा हल्का। धुन रही थी सर व्यर्थ व्याकुल मत लहरें, वहीं आ आकर जहां था मैं खड़ा मौन। समय के आघात से पोली खड़ी दीवारें, जिस तरह घरें एक के बाद एक सहसा। चांदनी की उंगलियां चंचल क्रोशिये से बुन रही थीं चपल फेन झालर बेल मानो। पंक्तियों में टूटती गिरती चांदनी में लौटती लहरें, बिजलियों सी कौंधती लहरें, मछलियों सी बिछल पड़ती तड़पती लहरें बार बार। स्वप्न में रौंदी हुई सी विकल सिकता पुतलियों सी मूंद लेती आंख। यह समंदर की पछाड़ तोड़ती है हार तट का अति कठोर पहाड़। यह समंदर की पछाड़। सुचेत जी, एक नीला आईना बैठोस, एक नीला आईना बैठोस सी यह चांदनी, और अंदर चल रहा हूँ मैं उसी के महातल के मौन में। मौन मैं इतिहास का कण किरण जीवित एक बस, एक पल के ओट में है कुल जहान। आत्मा है अखिल की हठ सी, चांदनी में घुल गए हैं बहुत से तारे, बहुत कुछ घुल गया हूँ मैं, बहुत कुछ अब रह गया सा एक सीधा बिंब चल रहा है जो शांत इंगित सा न जाने किधर। जब तुम मुझे मिले एक खुला फटा हुआ लिफाफा तुम्हारे हाथ आया, बहुत उसे उल्टा पलटा उसमें कुछ न था, तुमने उसे फेंक दिया। तभी जाकर मैं नीचे पड़ा हुआ तुम्हें मैं लगा, तुम उसे उठाने के लिए झुके भी पर फिर कुछ सोच कर मुझे वहीं छोड़ दिया। मैं तुमसे यूं ही मिल लिया था। मेरी याददाश्त को तुमने गुनाहगार बनाया और उसका सूद बहुत बढ़ाकर मुझसे वसूल किया, और तब मैंने कहा अगले जन्म में। मैं इस तरह मुस्कराया जैसे शाम के पानी में डूबते पहाड़ गमगीन मुस्कराते हैं। मेरी कविता की तुमने खूब दाद दी, मैंने समझा तुम अपनी ही बातें सुना रहे हो। तुमने मेरी कविता की खूब दाद दी।
तुमने मुझे जिस रंग में लपेटा मैं लिपटता गया, और जब लपेट न खुले तुमने मुझे जला दिया। मुझे जलते हुए को भी तुम देखते रहे, और वह मुझे अच्छा लगता रहा। एक खुशबू जो मेरी पलकों में इशारों की तरह बस गई है, जैसे तुम्हारे नाम की नन्ही सी स्पेलिंग हो, छोटी सी प्यारी सी तिरछी स्पेलिंग। आह, तुम्हारे दांतों से जो दूब के तिनके की नोक उस पिकनिक में चिपकी रह गई थी, आज तक मेरी नींद में गड़ती है। अगर मुझे किसी से ईर्ष्या होती तो मैं दूसरा जन्म बार बार हर घंटे लेता जाता, पर मैं तो जैसे इसी शरीर से अमर हूं, तुम्हारी बरकत। बहुत से तीर, बहुत सी नावें, बहुत से पर इधर उड़ते हुए आए, घूमते हुए गुजर गए, मुझको लिए सब के सब। तुमने समझा कि उनमें तुम थे। नहीं नहीं नहीं, उनमें कोई न था, सिर्फ बीती हुई अनहोनी और होनी की उदास रंगीनियां थीं फकत। लेकर सीधा नारा, लेकर सीधा नारा, कौन पुकारा अंतिम आशाओं की संध्याओं से, पलकें डूबी ही सी थीं पर अभी नहीं, कोई सुनता सा था मुझे कहीं। फिर किसने यह सातों सागर के पार एकाकी उठ एकाकी पन से ही मानो हार, एकाकी उठ मुझे पुकारा कई बार। मैं समाज तो नहीं, न मैं कुल जीवन, कण समूह में हूं मैं केवल एक कण। कौन सहारा मेरा, कौन सहारा। हम अपने ख्याल को सनम समझे थे, अपने को ख्याल से भी कम समझे थे। होना था, समझना न था कुछ भी शमशेर। होना भी कहाँ था वो जो हम समझे थे। हम अपने ख्याल को सनम समझे थे, अपने को ख्याल से भी कम समझे थे। होना था समझना न था कुछ भी शमशेर। होना भी कहाँ था वो जो हम समझे। मेरी धड़कन का हरा भरा पेड़ वो लोग खरीद ले जाते हैं हर मौसम में बार बार। ये मजबूरी क्या है, क्या है। मैंने अक्सर सोचा है कि वो लड़की थी कौन जो चांद से गप्पे कर रही थी, उसकी आवाज कोई सुन रहा था, उसे क्या खबर। वो तो गप्पों में लगी थी चांद के साथ, उसकी गप्पे आज भी मेरे कानों में आ रही हैं।
गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जटा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों संत, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे खूब हैं गो के। बाजी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। ये मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, ये न होता तो कसम से हम सच कहते हैं आपसे शादी कर लेते फौरन। आप हंसते हैं मगर यू भी दिल खींच तो लेते ही हैं आप, हाँ जी समंदर की तरह, और मैं बेचैन सी हो जाती हूँ उसकी लहरों की तरह, ज्वार भाटा सा अजब जाने क्यों उठने लगता है ख्यालों में मेरे, खाहम खा जाओ हटो, ऐसे इंसान को हम प्यार नहीं करते हैं, मुंह दिखाई ही फकत जो मेरा सरबस मांगे और फिर हाथ न आए, मुफ्त कविताएं सुने अपने दिल की न बताए, जब भी आए यूं ही उलझाए, ऐसे इंसान को हम आखिर तक प्यार नहीं करते हैं, हाँ समझ गए। एक आदमी दो पहाड़ों को कुहनियों से ठेलता, पूरब से पश्चिम को एक कदम से नापता, बढ़ रहा है। कितनी ऊंची घासें चांद तारों को छूने छूने को हैं, जिनसे घुटनों को निकालता वो बढ़ रहा है। अपनी शाम को सुबह से मिलाता हुआ फिर क्यों दो बादलों के तार उसे महज उलझा रहे हैं। धूप कोठरी के आईने में खड़ी हंस रही है, पारदर्शी धूप के पर्दे मुस्कराते मौन आंगन में, मोम सा पीला बहुत कोमल नभ, एक मधुमक्खी हिलाकर फूल को, बहुत नन्ना फूल उड़ गई। आज बचपन का उदास माँ का मुख याद आता है। ओ मेरे घर, ओ मेरे घर, ओ हे मेरी पृथ्वी, सांस के एवज तूने क्या दिया मुझे, ओ मेरी माँ, तूने युद्ध ही दिए मुझे, दिए प्रेम ही मुझे दिया, क्रूरतम कटुतम और क्या दिया, मुझे भगवान दिए कई कई, मुझसे भी निरीह, मुझसे भी निरीह, और अद्भुत शक्तिशाली मैकेनिकी प्रतिमाएं, ऐसी मुझे जिंदगी दी, ओ आ
आंखें दी जो गीली मिट्टी का बुदबुद सी हैं, और नारे दिए मुझे अनगिनती सांसों की तरह। अनगिनती इकाइयों में मुझसे लगातार दूर जाते मौन की व्यर्थ प्रतीक्षाओं से, और दी मुझे एक लंबे नाटक की हंसी फैली हुई दर्शकशाला के इस छोर से उस छोर तक। फिर मुझे जागना दिया ये कहकर कि लो और सो, और वही तलवारें भाव अंधेरे की अंतिम लोरियों के बजाय इंसान के अखौटे में डालकर मुझे सब कुछ तो दे दिया, जब मुझे मेरे कर्म का बीज दिया कटुकित। फिर एक ही जन्म में और क्या क्या चाहिए। दुनिया में जो चीजें हैं उनको टटोल के देखें और गौर करें तो मालूम होगा कि एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करती हुई ये चीजें, ये व्यक्ति या थिंग या सिचुएशन, वो आगे बढ़ती रहती हैं, और यही जीवन है शायद। इसमें हथियार इस तरह की चीजें, इनको सबसे बड़ा मैं कविता का विश्लेषण करने लगा। कविता सुनिए। संगीत की धार, शीर्षक है कला। संगीत की धार, शीर्षक है कला। संगीत की धार मोड़ देती है शमशीर की धार, तोपों को ठंडा कर देती, सियासत को सुकून बख्शती, और दिलों को मोह लेती है, मूर्ख बना देती है। कला सबसे बड़ा संघर्ष बन जाती है मनुष्य की आत्मा का। प्रेम का कमल कितना विशाल हो जाता है आकाश जितना, और केवल उसी के दूसरे अर्थ सौंदर्य हो जाते हैं मनुष्य की आत्मा में। सांस एक धड़कन हो जाती है ज्ञान स्वरूप, और मनुष्य का समाज एक हो जाता है संगीत से। मुझको सबसे अधिक भय युद्ध को सबसे अधिक भय संगीत से है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एटॉमिक विस्फोट को भी वश में कर लेता है। छोटी सी कविता है। मिलते हैं मुझको मिलते हैं अदीब और कलाकार बहुत, मुझको मिलते हैं अदीब और कलाकार बहुत, लेकिन इंसान के दर्शन है मुहाल। दर्द की एक तरफ, हल्के से दर्द की एक तरफ मैंने अग्नों के यहाँ देखी है, या तो वो आज है खामोश तबस्सुम में जलील, या वो है कफालूद, या वो दहशत का पता देती है, या हिरासा है, या फिर इस दौर के खाको खूह में गुमगश्ता है।
बतिया एक गजल है अगर आप पढ़ना चाहें देश की देश। ये नई सी कविता है, शेयर कर दिया है इसको रंजना जी ने, मैं वही सुना रहा हूँ। देश के एकाकी हाथ, किस किस के हाथ दबाऊं मैं, किस किस के उंगलियां चंचल चटकाऊं मैं, किस किस की उंगलियों का दर्द हौले हौले सहलाऊं मैं, हर एक इस पहले हाथ से हर बार मेरा ही हाथ सबके आगे आ जाता है। दिन के किसी पहर में एक क्षीण हाथ परछाई सा, धुंधली हल्की परछाई सा हर बार पहल करता, सबसे पहले आ जाता और सबसे पहले आ जाता। क्यों हर बार इन सब एकाकी हाथों से पहले मेरा ही दिल जला हाथ, एकाकी हाथ क्यों सबसे पहले मेरा ही दिल जला हाथ सबके आगे आ जाता है। सबके आगे क्यों मेरा ही दिल जला हाथ, शासन के लीज लीजिए हाथ आगे आ जाते हैं। मैं क्या करूं और मैं क्या कर सकूंगा, ये लीजिए सीने जीने पर्दे के समान, सीने में पर्दों जैसे आगे फैला कर सबके आगे फैलते जाते हैं। अब एक बगल की तरह की चीज, गजल मेरी ऐसी विधा नहीं है जिसमें मैं अक्सर लिखता हूँ। गजल को मैं एक मुश्किल विधा मानता हूँ और आज इस दौर में तो बहुत मुश्किल विधा है। दिल से जब तक ना निकले कोई बात, बहुत दिनों की घुमड़ी हुई बात, तब तक गजल का मजा क्या है। देश के देश उजाड़ हुए, दिल की नगरी क्यों बाकी है, देश के देश उजाड़ हुए, दिल की नगरी क्यों बाकी है, उलट गए सारे पैमाने कासागरी क्यों बाकी है, कौन है अपना कौन पराया छोड़े भी इन बातों को, एक हम तुम है खैर से अपनी पर्दादरी क्यों बाकी है, शायद भूले भटके किसी को रात हमारी याद आई, सपने में जब आन मिले फिर बेखबरी क्यों बाकी है, किसका सांस है मेरे अंदर इतने पास और इतनी दूर, इस नजदीकी में दूरी की हम सफरी क्यों बाकी है। बीत गए युग फिर भी जैसे कल ही तुमको देखा हो, दिल में और आंखों में तुम्हारी खुश नजरी क्यों बाकी है, सचमुच मुझको ऐसा लगा जैसे तुम बिल्कुल पास ही हो, आंख में अब तक वही सुनहरी दोपहरी क्यों बाकी है, शोर भजन और कीर्तन है या फिल्मी धुनों का हंगामा, सर पे ये लाउड स्पीकर की टेढ़ी छतरी क्यों बाकी है, धर्म तजारत पेशा था जो वही हमें ले डूबा है, धर्म तजारत पेशा था जो वही हमें ले डूबा है,
बीच भवर के सौदे में ये एक खंजरी क्यों बाकी है, बीच भवर के सौदे में ये एक खंजरी क्यों बाकी है। कैसा सियासत का तूफान कि आग के लपटों में इंसान अपनों पर अपनों की ही बेदादगरी क्यों बाकी है।